भिंडी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आज मैं जो बनाने वाली हूँ कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, तो आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम ये रेसिपी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ली है। भिंडी को पानी से 2-3 बार साफ़ धो के लिया है। उसके साथ ही हम भिंडी को टॉवल से भी साफ़ करके सब पानी जो है वो सब निकाल देंगे और उसे अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे ना बारीक ना मोटा, एकदम मीडियम साइज़ के टुकड़ों में भिंडी को मैंने कट करके लिया है। साथ ही मैं 2 बड़े प्याज लिए हैं, उन्हें बारीक चॉप करके लिया है। फिर 1 गड्डी लहसुन का यहाँ पर मैंने चॉप करके लिया है, तो आप ये देख सकते हो। उसी के साथ साथ मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में हल्दी है, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, अपना रेगुलर मसाला है, ज़ीरा है, राई है, और धनिया जीरा का पाउडर और सॉल्ट। उसी के साथ साथ मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है, और मैंने एक मीडियम साइज़ का पोटैटो लिया है, उसे भी मैंने चॉप करके लिया है। सो स्टार्ट करते हैं हम। कढ़ाई गैस पे रखी है, मस्टर्ड ऑयल में आज मैं ये भिंडी बनाने वाली हूँ। आप कौन सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 बड़े टेबलस्पून ऑयल इतना मैंने उसमें ऐड किया है। जैसे ही अपने जो ऑयल है अच्छे से गर्म हो जाता है, तो उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून छोटा ज़ीरा और राई। अच्छे से दोनों को चटकने देंगे। उसी के साथ साथ हम डालेंगे उसमें थोड़ा सा हींग। हींग डालने के बाद जो मैंने गार्लिक लिया है, लहसुन, उसे चॉप करके ही मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसी के साथ साथ तुरंत हम उसमें जो ऑनियन है वो मिक्स करेंगे। ऑनियन को भी अच्छी तरह से ऑयल में हम मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ऑनियन का कलर अच्छी तरह से थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हमें पूरी तरह से उसका कलर चेंज करना नहीं है। और अब जो मैंने पोटैटो लिया था, उसके बारीक मैंने टुकड़ों में कट करके लिया था, वो पोटैटो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि पोटैटो थोड़े से कुक होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो सबसे पहले हम पोटैटोज ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिला दें। अभी पोटैटो के साथ में ही जो हमारे ऑनियन है वो भी अच्छी तरह से ये जो है फ्राई हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा था कि पूरी तरह से जो ऑनियन है उसको फ्राई नहीं करना है। अब वो पोटैटो के साथ फ्राई हो जाएगा। थोड़ा टाइम के लिए हम इसे अभी ढक के पकाएंगे। तो 1-2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हो जो पोटैटोज है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, और ऑनियन का कलर भी आप देख सकते हो उसके साथ साथ वो भी फ्राई हो चुके हैं। भिंडी जब हम बनाते हैं ना, तो भिंडी जल्दी हो जाती है, तो भिंडी को ज़्यादा समय नहीं लगता है कुक होने में, इसलिए हम पहले पोटैटोज को कुक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से पोटैटोज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑनियन का कलर भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इसमें जो कट की हुई भिंडी है वो भिंडी इसमें हम ऐड करेंगे। अगर भिंडी आपकी फ्रेश है तो तुरंत जल्दी हो जाती है, अगर आपने कल लाई हो और आज आप करने वाले हो तो थोड़ा सा समय लगता है। तो भिंडी को भी उसके साथ में मिक्स कर देंगे। भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें मैं 1/2 टेबलस्पून इतनी हल्दी ऐड कर लेती हूँ। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, वो 1 टेबलस्पून। जो अपना घर का रेगुलर मसाला है उसका वो 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। धनिया और जीरा का पाउडर वो 1 टेबलस्पून। अब
मैं यहाँ पे ग्रीन चिली का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप ग्रीन चिली भी मिक्स करना चाहते हो तो मसाला थोड़ा सा कम कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, अब तक मैंने सॉल्ट का यूज़ नहीं किया है, सॉल्ट हम बाद में यूज़ करेंगे। तो भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दो तीन मिनट के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स, भिंडी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और पैटेटोस तो हमारे पहले ही थोड़े से कुक हो चुके थे, अब अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। गरम मसाला पाउडर में छोटी आधा टेबल स्पून इतनी उसमें ऐड कर लेती हूँ। स्वाद के अनुसार नमक उसमें हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे फिर से मिक्स करेंगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि अब तक भिंडी सॉफ्ट नहीं हो चुकी है तो आप उसमें 2 या 3 टेबल स्पून इतना पानी ऐड कर सकते हो, गर्म पानी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर ज़रूरत नहीं है तो पानी ऐड मत कीजिएगा। ऐसे ही ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये रेसिपी रेडी है। आज की रेसिपी का कॉम्बिनेशन जो है भिंडी और पैटेटोज का, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और ये जो रेसिपी है टिफ़िन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, बच्चे भी बहुत अच्छे, मतलब उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आप ये ज़रूर करके घर में एक बार मुझे बताना। तो मैं अब इसे एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया रेसिपी बन चुकी है। मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हम अब गार्निशिंग के लिए ऊपर से कोरिएंडर लीव्स या मिंट लीव्स उसमें ऐड कर सकते हैं, उसके साथ लेमन जूस भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। और चपाती के साथ या दाल राइस के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी अच्छी लगती है। तो चलिए दोस्तों, एक नई रेसिपी के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।